एटा हाईवे पर भयंकर हादसा, बेकाबू डीसीएम ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं एटा हाईवे की, जहां झांसी कानपुर रोड पर यह भीषण दुर्घटना हुई। हाईवे पर पहले से खराब हुआ एक ट्रक खड़ा था, जिसे पीछे से आ रहे बेकाबू डीसीएम ने जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में डीसीएम ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद खराब ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी। बिरासनी मोड़ पे आगे जो है एक ट्रक खराब खड़ा हुआ था, जिसको पीछे से डीसीएम से टक्कर लग गई। डीसीएम चालक की मौके पर मौत हो गई। डीसीएम जो है उरई से झांसी की ओर जा रही थी, और जो खराब ट्रक खड़ा था उसमें पीछे से उसने टक्कर लगाई है। या तो ड्राइवर सो गया है, या तो ओवर स्पीड में लगा है, खैर जो भी हो, लेकिन ड्राइवर एक्सपायर हो गया है, जिसको जो है जरिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दोनों ट्रकों को अलग किया और बीच में फंसे ड्राइवर के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसिफ खान के साथ अशरफ हक की रिपोर्ट, जालौन।